चंदर उपाध्याय ने तुम्हारे साथ क्या किया? वो हमारा कपड़ा फाड़ दिया साहब। काय फाड़ दिया कपड़ा तुम्हारा? क्या करना चाहता था? ये गुलामी का गमछा जो है ना, हम बरसों से अपने गले में टांग रखे हैं। इसको उतार फेंकना होगा। हरजन एक्ट में रपट दर्ज करवाएंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी। सरकार ने शह क्या दे दिया, कपार पे मुतने लगे हैं ये लोग। मुत हम नहीं रहे हैं, बस हम अपने कपार पे मुतवाना बंद कर दिए। बहुत अत्याचार हुआ है इनके साथ। लौंडिया किसकी थी? लौंडिया नहीं, दरोगा जी बेटी है इनकी, प्यारे भाई की, रजपतिया। एक तरफ गरीब दलित है और दूसरी तरफ रसूख और पैसे वाला मुलजिम। इस केस में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छोड़ो उसे बाऊजी। छोड़ो। जीवो जो है ना, वो अपनी रिपोर्ट में अगर बलात्कार के मामले को छेड़खानी दिखा दे तो बात बन जाए। वाह बहुत बढ़िया। हम तो उनके मम्मिया ससुर है ना, कि हम कहेंगे वो झट से राजी हो जाए। ताजा ताजा खबरिया सुनो मोरे भाई, ताजा ताजा। टोला वाला का हम कबो इतनी ऊंची आवाज में गाते बजाते नहीं देखा, बहुत हिम्मत बढ़ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादा आप। कई साले केस जीत गए तो आग मुतेंगे आप। कुमार झिल्ली भाई और उस पर नाबालिग होने की रिपोर्ट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सबूत। 10 में से 8 लड़कियाँ पेड़ पर चढ़ने से या दीवार फाड़ने से, वो लड़कियाँ रस्सी कूदती है ना, उससे भी उनकी कौमार झिल्ली भंग हो जाती है। चंदर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा पाभन टोला एक हो गया है। नीचे कर नीचे। क्या कह रहा? महामाम नहीं छोड़ेंगे उनको। अरे शांत रे शांत, ये चीखने चिल्लाने का मौका नहीं है। हमें क्या करना हमें सब पता। ये नेता लोगों ने ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके हम